Good morning, dear students. Welcome in my English class. And today we are going to continue revision work, part second. Dear students, previous class में हमने revision work start किया था और जो revision work हमने किया था वो सारा आपका oral work था. उनमें से only two questions, question number 5 और question number 6 जो था वो मैंने आपको written work करने के लिए दिया था और बाकी सारा आपको सिर्फ ओरल करना था, लर्न करना था. आज की क्लास में हम उसी रिवीजन वर्क को कंटिन्यू करेंगे, उसी के आगे का वर्क हम करेंगे और आज का जो सारा वर्क है वो आपको सारा रिटन वर्क करना है, अपनी नोटबुक में सारा का सारा लिखना है. ओके, सो वी विल स्टार्ट रिवीजन वर्क. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 7 आप क्वेश्चन कॉपी में जब लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लिखेंगे, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गिव द आंसर इन वन वर्ड. बच्चों यहाँ जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब के आंसर आपको ओनली वन वर्ड में, एक शब्द में लिखना है. पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन वर्ड में आपको आंसर देना है. नंबर 1 इज Who loved flowers? Flowers किसको पसंद थे? इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर इज चीना, CHEENA, चीना. नंबर 2, What turned brown? क्या चीज़ थी जो ब्राउन हो गई थी? हमने लेसन में देखा था कि फ्लावर्स, लीव्स, ट्रीज सब कुछ ब्राउन हो गया था, तो यहाँ हमने इसका आंसर लिखा है गार्डन. लास्ट टाइम जब आपको टेस्ट में ही क्वेश्चन दिया गया था तो आप लोगों ने इसका आंसर फ्लावर लिखा था, जबकि इसका राइट आंसर है गार्डन, है ना, क्योंकि गार्डन पूरा का पूरा ही ब्राउन हो गया था. नंबर 3, व्हाट डज राहुल ट्राई टू पुल आउट? व्हाट डज राहुल ट्राई टू पुल आउट? राहुल किसको खींच कर निकालने की कोशिश कर रहा था? आंसर इज कैरेट. जो कैरेट जमीन में दबा हुआ था ना उसको निकालने की कोशिश कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ इज द कैरेट हलवा? कैरेट हलवा कैसा है? आंसर इज टेस्टी. कैसा बना था, कैसा बना है कैरेट हलवा? टेस्टी. नंबर 5, हु वॉज पिकिंग बेरीज? बेरीज कौन उठा रहा था, कौन ढूंढ रहा था बेरीज? आंसर इज जॉन. John was picking berries. Answer only one word में लिखेंगे आप, John. Next question number 6 is who was the old man? Old man जो था वो कौन था? Real में जो old man हमने देखा था उस lesson में, John को जो old man मिला था वो वास्तविकता में कौन था, असलियत में वो कौन था? Answer is fairy. एक fairy थी, परी थी जो कि एक old man के रूप में John को मिली थी. नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट वाज इन द स्काई? आसमान में क्या दिख रहा था? आंसर इज क्लाउड्स. नेक्स्ट 8 नंबर, हु ड्रेस्ड अप एज जेब्रा? जेब्रा की ड्रेस किसने पहनी थी, जेब्रा जैसा कौन रेडी हुआ था? आंसर इज लूसी. लूसी जो है वो जेब्रा की तरह तैयार हुई थी. नेक्स्ट 9 नंबर, डिड स्पर्श टेक हिज टॉयज टू दीपांशुज हाउस? क्या स्पर्श जो है वो अपने खिलौने टॉयज जो है वो भी दीपांशु के घर ले गया था? आंसर नो, वो अपने खिलौने नहीं ले गया था, वो क्या ले गया था, जरूरी सामान, कपड़े वगैरह ऐसी चीजें ही ले गया था, है ना, तो वो अपने खिलौने नहीं ले गया था. आंसर इज नो. नेक्स्ट 10 नंबर, हु डिड नॉट वॉन्ट टू ईट एट दीपांशुज हाउस? किसको दीपांशु के घर पर खाना खाना था, कौन था वो? आंसर इज स्पर्श. स्पर्श जो है उसको अपनी मम्मा की याद आ रही थी, वो अपने मम्मा को मिस कर रहा था, घर को मिस कर रहा था, इसलिए उसे वो दीपांशु के घर खाना नहीं खाना चाहता था. तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन लिखेंगे और उसके साथ उसके आंसर वन वर्ड में लिखेंगे, ओनली वन वर्ड में, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मेक प्लूरल्स. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनके आपको प्लूरल्स लिखने हैं. प्लूरल्स के लिए आप जानते हैं, आपको बुक में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं एक्सरसाइजेज इस तरह की कि प्लूरल में एस और ई एस ऐड करना होता है. एस तो हम सिंपली जो वर्ड्स के साथ ऐसे ऐड करते हैं, जो वर्ड्स
जिनका एंडिंग ओ सी एच डबल एस एक्स इन इन लेटर्स से होता है, उनके साथ हम ई एस ऐड करते हैं ना। तो बुक, बुक के साथ हम एस ऐड कर देंगे तो बुक्स। फ्रेंड, फ्रेंड के साथ भी आप एस ऐड करेंगे फ्रेंड्स। बॉक्स, बॉक्स के बॉक्स जो है उसकी स्पेलिंग में लास्ट में एक्स आता है, इसलिए हम एक्स वाली स्पेलिंग के साथ ई एस ऐड करेंगे बॉक्सेस। बॉय, बॉय के साथ एस बॉयज। ट्री, ट्री के साथ एस ऐड करेंगे ट्रीज। ग्लास, ग्लास में डबल एस आ रहा है लास्ट में, इसलिए उसके साथ हम ई एस ऐड करेंगे ग्लासेस। ओके नेक्स्ट, यही क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। ब्रश, ब्रश में भी एस एच आ रहा है, इसलिए इसके साथ हम ई एस ऐड करेंगे ब्रशेस। टेबल, एस ऐड करेंगे टेबल्स। गर्ल, गर्ल्स के साथ भी एस ऐड करेंगे गर्ल्स। फ्लावर, फ्लावर के साथ भी एस ऐड करेंगे फ्लावर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। इस क्वेश्चन को आपको एज इट इज नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट मीन्स होता है उल्टे अर्थ वाले, जिसका उल्टा अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं हम अपोजिट वर्ड। नंबर 1, ड्राई। ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला। नेक्स्ट फुल, फुल मीन्स भरा हुआ, एम्प्टी मीन्स खाली। नेक्स्ट स्टॉप मीन्स रुकना, और स्टार्ट मीन्स शुरू करना। नेक्स्ट इजी, इजी मीन्स सरल, और इजी के आगे यू एन अन ऐड करने से इसका अपोजिट हो जाता है अनइजी, मीन्स जो टफ होता है वो। नेक्स्ट नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर। डाउन मीन्स नीचे, अप मीन्स ऊपर। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, और वीक मीन्स वीक मीन्स होता है कमजोर। ओके, इसको भी आपको एज इट इज नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट फेमिनाइन जेंडर फॉर फॉलोइंग। बच्चों फेमिनाइन जेंडर मीन्स होता है फीमेल वर्ड्स, फीमेल वर्ड्स जो भी होते हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। देखिए बुल, बुल का होगा काउ। नेक्स्ट लॉयन, लॉयनेस। अंकल, आंट। पीकॉक, पीहैन। हॉर्स, मैर। फादर, मदर। मैन, वुमन। फॉक्स, विग्सन। बॉय, गर्ल। किंग, क्वीन। तो बच्चों ये सारे हो गए आपके फेमिनाइन जेंडर। हर एक वर्ड का एक तरफ मेल वर्ड दिए गए हैं, उसी की फीमेल जो होती है उसको क्या कहते हैं, ये हमने 10 नंबर वाले क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर्स। ओके क्वेश्चन आंसर, इनको आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है। पहले हमने क्वेश्चन आंसर लिखे थे वन वर्ड में, अब जो हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं वो पूरा पूरा सेंटेंस लिखेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज रिटन ऑन द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड पर जो पार्क में साइन बोर्ड लगा था उस पर क्या लिखा हुआ था। आंसर देयर वाज रिटन ऑन द साइन बोर्ड डू नॉट प्लक फ्लावर्स, मीन्स बोर्ड पर साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था डू नॉट प्लक फ्लावर मीन्स फूल मत तोड़िए। नंबर 2 हु वाज टचिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी फूलों को कौन छू रहा था, कौन टच कर रहा था। आंसर इज फेरी वॉज टचिंग फ्लावर्स, फेरी जो थी परी वो फूलों को छू रही थी। नंबर 3 व्हाट डज राहुल गेट, राहुल को क्या मिलता है। आंसर राहुल गेट्स सम कैरेट सीड्स, राहुल को कुछ कैरेट्स के बीज मिलते, गाजर के बीज मिलते हैं। नेक्स्ट
हु मेड द कैरेट हलवा, गाजर का हलवा किसने बनाया? आंसर इज ग्रैंडमा मेड द कैरेट हलवा, ग्रैंडमा मीन्स दादी माँ ने गाजर का हलवा बनाया। नेक्स्ट हाउ वॉज द बॉय, बॉय कैसा था, लड़का कैसा था? आंसर इज द बॉय वॉज वेरी काइंड, लड़का जो था वो बहुत दयालु था, वेरी काइंड मतलब बहुत दयालु था। नेक्स्ट वॉट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से क्या बना हुआ था? आंसर बकेट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, बाल्टी जो थी वो सोने की बनी हुई थी, गोल्ड की बनी हुई थी। नेक्स्ट वॉट वॉज द नेम ऑफ द रेनड्रॉप, रेनड्रॉप का नाम क्या था? द नेम ऑफ द रेनड्रॉप वॉज पिटपैट, जो रेनड्रॉप थी बारिश की जो बूंद थी उसका नाम था पिटपैट। नेक्स्ट वॉट बिकेम वेरी हैवी, क्या बहुत भारी, क्या भारी होने लगा था? आंसर इज द लार्ज ड्रॉप्स बिकम वेरी हैवी, जब तक छोटी पानी की बूंदें छोटी थी वो हल्की थी लाइट थी, और जैसे जैसे बड़ी पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी वो कैसी होगी, भारी होगी, हैवी होगी। नेक्स्ट वॉट वॉज इन स्कूल, स्कूल में क्या था? आंसर इज देयर वॉज फैंसी ड्रेस डे इन स्कूल, स्कूल में क्या था? फैंसी ड्रेस डे, क्या था? फैंसी ड्रेस डे। नेक्स्ट हु पैक्ड पीटर्स लंच बॉक्स, पीटर का लंच बॉक्स किसने पैक किया था? आंसर इज पापा पैक्ड अप पीटर्स लंच बॉक्स, पीटर का लंच बॉक्स उसके पापा ने, उसके फादर ने पैक किया था। नेक्स्ट हु वॉज स्पर्श, स्पर्श कौन था? आंसर इज स्पर्श वॉज अ लिटिल बॉय, स्पर्श एक छोटा बच्चा था। नेक्स्ट एंड लास्ट हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, पास के घर में कौन रहता था? आंसर इज दीपांशु लिव्ड नेक्स्ट डोर, दीपांशु पास के घर में रहता था, पास के मीन्स स्पर्श के घर के जो जस्ट पास वाला घर था वहाँ कौन रहता था, तो दीपांशु जो है उसके पास वाले घर में रहता था। तो बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी मैंने 5 से लिख के और लास्ट तक के जितने भी 11 तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, राइट रॉन्ग फिल इन द ब्लैंक, सॉरी राइट रॉन्ग नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी नहीं, 5 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, अपोजिट्स, प्लूरल्स, जो भी करवाया है वर्क वो सारा आपको कॉपी में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है। पिछली कक्षा में जो किया था वो भी सारा लर्न करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन वो सिर्फ आप ओरल लर्न करेंगे उससे हो जाएगा आपको याद, ये सारा आपको लिखना है ताकि अच्छे से याद हो जाए। ओके आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।